राम सीताराम सबको गुड मॉर्निंग। राम राम सीताराम, ओम नमो शिवाय, हर हर महादेव। आज वावणी स्पेशल दिन है, आज वावणी करेंगे अभी थोड़ी देरी से। आज वावणी करवाना है, थोड़ी की वावणी करनी है भूमि में। और बाहु ने क्या किया, कल से सीड्स बाहर पड़े हुए हैं ना, तो वही खाई है। बाहु को मूंगफली बहुत पसंद है। बाहर हवा चल रही है तो कुछ सुनाई नहीं देगा, लेकिन वहाँ पे भी अभी मूंगफली में से जो छोटे मूंगफली के सीड्स में से जो छोटी मूंगफली रह जाती है साथ में, उसको क्लीन कर रही है। तो इसमें से ये जो सारी है इसको कलेक्ट कर रही है, जिसको हम बिबड़ी बोलते हैं, ये सारी। तो यहाँ पे जो मूंगफली के बीज है वो क्लीन हो रहे हैं। तो अभी ओम रेडी हो जाए, शिव रेडी हो जाए, अभी रामदेव और वो सब तो ट्रैक्टर रेडी कर रहे हैं, और फिर आपको दिखाते हमारी वावणी। सब प्रे करना, और हम भी प्रे करते भगवान से कि अच्छी बारिश हो पूरी मॉनसून, और हमारी हमारी जो मूंगफली है वो बहुत ही अच्छी लगे। ओके, चलो चलो नीचे जाते हैं। तो अपना काम ये सारा ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। मम्मी ये वर्कर साथ में वस्ता पर हेल्प कर रहे थे थोड़ी थोड़ी, इसमें ना ये कलेक्ट करना होता है। और आज रामदेव बोल रहा है कि भूख लगी है। हाँ, और भारती ना साड़ी पहन के घूम रही है। मैंने बोला कि तुम साड़ी पहनी हो अच्छी बात है, लेकिन मुझे खाना भी है, भूख लगी है। आज खाने की छुट्टी, जब वावणी हो जाए ना फिर बात नहीं, पूरा बनाओगी आज तुम? हाँ, वो लेटर मतलब बनाती रहना, क्योंकि पूरा खाएंगे बहुत सारे। अभी खाना है और नहीं, वाली बहन बना रहे रोटला। वो तो रोटला बन रहे ना, पूरा तो तुम्हें बनाने पड़ेंगे। अभी यहाँ पे देखो शिव भी रेडी हो गया, शिव की लाइफ की फर्स्ट वावणी है हमारी। और ओम भी रेडी हो गया, पास में बैठ जाओ भाई, क्या वैसे भी गिरने वाला है। और सब लोग रेडी है, इसमें रेडी हुए हैं मैं, शिव, ओम, पापा, सब रेडी हो गया। मम्मी एंड रामदेव काम में है, लेकिन हम रेडी हो गए। बिना सब कुछ रेडी कर लिया है हमने। एक ये जो सुपारी चाहिए, हाँ। मूंग होते उसका स्वस्तिक अभी बनाएंगे, ये तिलक कंकु से करते, और राइस तो होते ही है तिलक के साथ, और मीठा मुंह करने के लिए बेल से तो नहीं कर रहे, वरना बेल को गुड़ खिलाना होता है। गुड़ खिलाते, हाँ। गुड़ घी पहले खिलाते बहुत अच्छे से सुबह सुबह। वो सारी स्टोरी हम गुजराती में आपको शेयर करेंगे, जो पापा के टाइम पे पहले जो करते, हाँ। थे ना बेलों से, तब क्या होता था। और कोई भी शुभ कार्य होता है तो हम उसमें पहले गाय का गोबर यूज़ करते हैं, मोस्ट ऑफ सभी चीज़ों में। तो मैं अभी गाय का गोबर लेके वहाँ पे रेडी करती हूँ, और सीड्स हमारे रेडी हो गए। वावणी के टाइम में क्या होता है कि हमारा जो भी है उसकी जगह सारी चीज़ें नहीं रह पाती, क्योंकि थार भी अभी निकालनी पड़ी, वहाँ पे सीड्स डाले, क्योंकि अगर बारिश आ जाए तो फिर सीड्स बिक जाते, तो जगह कम पड़ती है। अभी भी और भी गोडाउन बनाने हैं हमारी सारी जो प्रोडक्ट होती है वो डालने के लिए, सारा कुछ बहुत सारा काम बाकी है। गायों के भी नए बनाने हैं घर, तो ऐसे बहुत सारे काम बाकी हैं। लेकिन अभी के लिए जो काम है इम्पोर्टेंट सबसे, वो है मूँगफली लगाना, वावणी जिसको हम बोलते हैं। और दूसरा हम बता दें कि नॉर्मली जब ये मूंगफली का काम होता है ना, लोग बहुत बिजी होते हैं, रेडी होने का टाइम नहीं होता, लेकिन हमारे वर्कर भी है, और अच्छा लगता है मुझे सारी, हाँ। और सबको अच्छा लगता है, और वीडियो भी हम बनाते हैं तो अच्छा प्रिपेयर होके बना, प्रिपेयर होके हम। और वावणी के टाइम में क्या होता है, कपड़े वपड़े बदलने का टाइम नहीं होता, लेकिन हैप्पी बहुत होते हैं, क्योंकि सबसे अच्छे गुड मूड में वावणी करनी होती है, शुभ माना जाता है, ताकि अच्छी फसल हो। और ये सबसे बड़ी और सबसे पहली फसल है हमारी यहाँ, खास करके हम लोगों की मूंगफली की। उसके बाद जो विंटर में होती है, समर में होती है, वो अलग से है, हाँ। ये अलग है, इसका एक हैप्पीनेस ही अलग, हाँ। होती है। और कल ही आई थिंक मैंने देखा था उसमें कहीं, मुरारी बापू बोल रहे थे कि 12 से 12:30 बजे में कभी भी कोई मुहूर्त देखना होता ही नहीं है, हाँ। वो कुछ अभिजीत नक्षत्र होता है या क्या, लेकिन वो बहुत ही शुभ होता है 12 से 12:30 का, हाँ है, तो अभी वही है। तो अभी यहाँ पे
हम ये कर लेते गाय का गोबर लेके आई हूँ मैं। आज करो कहीं कर ना ना चला खुका दे हाँ। बे मिनट हुका है ना पसीन माथे कर शेर वो भी खुला है और दौड़ रहा है। होता था कि जो बेल होते थे उसको पहले करते थे तिलक, फिर गुड़ खिलाते थे मीठा मुँह करवा के, फिर काम स्टार्ट करते थे। अभी पापा चाचा सब चेक कर रहे खेत में, तो अभी बेल नहीं है तो ट्रैक्टर को तिलक कर देते। बाबू सांड लो करे तो बाबू तिलक लगा रहे बाबू इधर देखो आवे ऐसा लग रहा है कि हमकी शादी करनी है क्या? बारात जा रही है नहीं, अभी बहुत सारे देवर बाकी है पहले, तुम्हारे पहले ठीक है, अभी सबको तिलक कर देते। तो अजय भाई अभी कर रहे थे वीडियो शूटिंग, पहुंच रहा है वहां से। ये क्या हो रहा है सब कुछ आज दिख रहा है नहीं तुमको? भाई काम कर रहा है यहाँ पे, ऑन हो जाएगा फिर उठा नहीं पाओगे तुम पूरा। और अभी गायों को सबको भी गुड़ खिलाएंगे ठीक है। इनफ दैट्स इनफ, बस उठा लो, उठा पाओगे। देखो ओम कितना काम कर रहा है, मतलब कि हम क्या करते हैं कि पहला एवरी टाइम पहला जो बीज होता है ना ज़मीन में डालने के लिए वो हम क्या हाथों से डाल देते हैं। रोटी खाई ली थी, अभी हमारे वर्कर भी आ गए रोटी खा के। और अभी ओम अभी तुम ऊपर चले जाओ, मैं पहले दे देती हूँ तुमको ठीक है, फिर डाल देना। यहाँ पे सीड्स डालते हैं, वहाँ से यहाँ पे आते हैं, फिर जैसे ये घूमता है फिर पूरा अंदर जाता है। यस हाँ, अभी फिर वापस भर के आते हैं ठीक है। चलो अजय भाई, रंजीत भाई, राज, बहुत सारे हैं, 7, 8, 9, 10 अभी मुझे गिनने पड़ेंगे, 12, 13 तो है अभी मिनिमम। पकड़वा
शिव ना आज देख रहा है सब कुछ कि ये क्या नया है शिव को। ले लीजिए बाबा। व्हाट का काम स्टार्ट होगा धीरे धीरे। अभी मैं शिव को लेके जाती हूँ कर। काम वावणी चल रही है, स्टार्ट हो गई है। अभी देखते दूसरे एंड पे जाएंगे तो कि कैसे होगा। और शिव को कुछ नहीं पता, वो अभी थोड़ी देर में सो जाएगा। शिव यहाँ पे देखो, तो अभी शिव को सुला दिया और मैं सिर्फ आई हूँ खेत में ऐसे। और पीछे चलने में बहुत अच्छा लगता है। और अभी दूसरी साइड भी अच्छे से हो रहा है, मतलब कि इतना गीला नहीं हो रहा है, तो अच्छे से वावणी हो रही है। अभी आपको दिखाते हैं। अभी मुझे वीडियो एडिटिंग भी बाकी है आज का, तो वो मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। अभी अजय भाई एंड रामदेव दोनों हैं अभी ट्रैक्टर में, और नान सिंह हमारा वर्कर है। ये पीछे की जो ब्लेड होती है इसको क्लीन कर रहे हैं। वावणी हो गई है, अभी आगे बढ़ रहे धीरे धीरे। आज दोपहर को ब्रेक नहीं है, 1 बजे 2 बजे कोई ब्रेक ही नहीं है। दिन रात कंटिन्यू चलेगा ये सारा, रात तक हो जाएगा शायद। शाम तक बड़ा खेत तो हो ही जाएगा। हाँ, हो जाएगा। और फिर बीज लेने जाना है, और क्योंकि ये इतने ही लाया था मैं किसी के घर से यहाँ पड़ोस में से, तो अभी और बीज लेने जाऊंगा। फिर रात को भी चलेगा, मुझे कल शाम तक खत्म करना है। मुझे लग रहा है आज रात को ही खत्म हो जाएगा, ये रात को खत्म करना है। फिर इसके ऊपर बीज लेके, हाँ, फिर इसके ऊपर वापस जिसको हमार बोलते हैं वो लगाना पड़ेगा। कैसा फील हुआ? अच्छा लग रहा है ना, इस बार डबल खेत है हमारे यहाँ का। और पूरा साफ है, बीच में खंभे वम्भे कुछ नहीं है, पूरा खेत साफ है। बड़े वाला छोटे खेत में वैसे भी कुछ नहीं है, वो वाले खेत में भी कुछ नहीं है बीच में। तो ये अभी कंटिन्यू करते हैं। मैं अभी वीडियो एडिटिंग खत्म करती हूँ।
से इतने नखरे शिव के बढ़ गए, पता नहीं सर्दी है या अब ये दांत आने वाले है, सोता ही नहीं है दिन को, शिव को सोना ही नहीं होता। अभी मुझे जाना है, ड्रोन शूट करना है, हमारा जो आवनी का काम चल रहा है वहाँ पे, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊंगी क्योंकि शिव कुछ करने दे नहीं रहा। शिव, शिव तुमको नींद नहीं आ रही है? दो घंटे से मैं तुमको सुलाने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ, और अभी आई थिंक थोड़े से और सीट्स लेके आने पड़ेंगे, अभी रात के काम में है। वहाँ पे बिल्कुल स्पेशल हम बना रहे हैं पकौड़े, यहाँ पे जो हम बोलते हैं भजिया, और साथ में पूड़ा जिसमें गुड़ वाला पानी गेहूँ के आटे में ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे अभी बन रहे पूड़ा, ये हो गए रेडी, पकौड़े। तो जिसको पकौड़े खाने हैं वो पकौड़े खाएंगे, दोनों मिक्स में भी खा सकते हैं। यहाँ पे चटनी भी हो गई है रेडी, और हमारे वर्कर्स के लिए भी हम लेके आए सारा सामान, तो वो भी बना लेंगे, तो उसको भी दे देंगे क्योंकि वावनी के दिन स्पेशल होता है। तो फिर यहाँ पे पूड़े बन रहे हैं और साथ में भजिया भी बन रहे हैं, भजिया एंड पूड़ा। अभी जा रहे और तो भी बापू आवा है ट्रैक्टर लेके। तो अभी अंधेरा हो गया है, रात के 10:30-11 बजने को आए, लेकिन अभी वावनी का स्पेशल काम होता है ना, सब लोग सब किसान, और रामदेव भी पूरा करके ही छोड़ता है। थोड़ा सा लंबा दिन होता है, थोड़ा सा हार्ड वर्क होता है, लेकिन वो ख़त्म करके ही छोड़ेगा। अभी ये खेत हो जाए तो फिर दूसरा खेत करेंगे। अभी जो हमने चाचा का नया खेत लिया है तो वहाँ पर चल रहा है वावनी का काम। मैं अभी आपको ट्रैक्टर दिखाऊँगी, लेकिन इतना क्लोज यहाँ से दिखेगा नहीं। तो वहाँ पर अभी काम चल रहा है, हमारे वर्कर्स भी हैं वहाँ साथ में।